एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से एवं उन्हें जागरूक करने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा को सबसे उच्च प्राथमिकता है। जनपद में कहीं पर महिलाएं निवास, आवागमन या व्यवसाय करती हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है तथा महिला शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए वुमेन पावर लाइन के रूप में 1090 की सेवा चलाई गई। कहीं पर महिलाओं के संबंध में कोई भी अपराध संज्ञान में आता है तो तत्काल इस पावर लाइन 1090 डायल करके महिलाओं द्वारा अपनी सहायता सुरक्षा के लिए कॉल किया जाता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक वाहन को रवाना किया गया, जो जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर इस सेवा का भरपूर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित महिला आरक्षी एवं पुरुष आरक्षी मौजूद रहे। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आपका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि आप अपना मोबाइल उठाए और बहुत ही इजीली है 1090 डायल करना, आपको 1090 डायल करना है। हमारे बीच आ चुके हैं और साथ ही साथ जैसा कि हम बता रहे हैं, आप 1090 डायल करते हैं तो आपकी पहचान जो है वो पूर्णता रूप से गोपनीय रखी जाती है। यानी जो भी यहाँ पे हमारी माताएं बहनें मुझे सुन रही है, आप ये सोच के आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद गोरखपुर के पुलिस के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पुलिस ऑफिस में आए हुए प्रार्थीगण, माताएं बहनें, आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम शासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, पूर्व में जो कदम उठाए गए हैं और आने वाले समय में जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता है। लगातार ये प्रयास चल रहे हैं कि कैसे हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं, वो कहां भी रह रही हों, वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही हों, स्कूल में पढ़ रही हों, कॉलेज में पढ़ रही हों, स्पोर्ट्स में हों, कोई व्यवसाय कर रही हों या अपने गांव कस्बे में निवास कर रहे हैं, हर जगह पर उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए और यदि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कैसे तत्काल उन तक मदद पहुंचाई जा सके, कैसे उनकी समस्या का समाधान किया जा सके और कैसे एक ऐसा वातावरण, ऐसा इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया जा सके जिससे हमारी महिलाएं, विशेष रूप से बच्चियां, बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ आज के युग में मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, तो मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे महिलाओं को उस स्पेस में भी कैसे सुरक्षित किया जाए, यदि कोई व्यक्ति उनको परेशान करता है, कोई आपराधिक कृत्य करने का प्रयास करता है, उनकी जो पर्सनल जानकारी है सोशल मीडिया पर है उसका दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थितियों में या मोबाइल के माध्यम से कॉल करके उनको परेशान करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे तत्काल उन तक मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और एक डेडिकेटेड वुमेन पावर लाइन, जिसे कि हम 1090 के नाम से जानते हैं, जो विगत वर्षों से
लखनऊ में जिसका मुख्यालय है, दिन का कोई भी समय हो, रात का कोई भी समय हो, कहीं पे भी आप निवास कर रहे हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप तत्काल 1090 डायल करते हैं, वहां से आपको उचित मदद के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस बारे में या कैसे वो मदद आप तक पहुंच सकती है, इसकी जागरूकता के लिए ही यह अभियान चलाया गया है। आने वाले दिनों में एक डेडिकेटेड व्हीकल आपके जनपद में रह करके इसके बारे में जागरूकता का अभियान चलाएंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों से और उनके साथ आए उनके परिवारजनों से ये अनुरोध करता हूँ कि 1090 के बारे में आप यहाँ पर पूर्ण जानकारी लेकर के जाएं। जहाँ पर भी आप निवास करते हैं वहाँ पर आसपास इसका प्रचार प्रसार करें। इसके बारे में बुकलेट है, पैम्फलेट है, लीफलेट है, ये सभी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, इसको बांटा जा रहा है, इसको दूर दूर तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, इसकी एक परंपरा रही है कि हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ पूरा समाज उनके प्रति अपना आदर और सम्मान रखता है। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सुरक्षा सबसे उच्च प्राथमिकता है। हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में महिलाएं जहां भी निवास करती हैं, छोटी बालिकाएं हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, कहीं भी निवास करती हैं, आवागमन करती हैं या कहीं व्यवसाय करती हैं या कहीं पढ़ाई करती हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिला शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति भी चलाया गया था और 1090 की सेवा कई वर्षों से पावर लाइन के रूप में चल रही है। किसी भी समय पर यदि महिलाओं के संबंधित कोई भी अपराध संज्ञान में आता है तो तत्काल इस पावर लाइन पे 1090 डायल करके महिलाओं द्वारा अपनी सहायता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कॉल किया जाता है। उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसी की जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आज यहां से एक डेडिकेटेड व्हीकल रवाना किया गया है, जो जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर के वहां पर इस सेवा का, जो शासन द्वारा चलाई जा रही है, इस सेवा का भरपूर प्रचार प्रसार करेगा। मैं आपके माध्यम से भी जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को ये अनुरोध करता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार अपने स्तर से भी, और आप लोग भी अपने समाचार पत्रों के और चैनल के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो एक संकल्प लिया गया है कि हमारा पूरा समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, और कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का कोई अपराध करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जा सके, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज का ये कार्यक्रम किया गया।